Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatima, a NIFT alumni and your design mentor. So guys, क्या हुआ जब आपने अपनी पहली internship start की या फिर आपने अपनी पहली job start की after the graduation? What thoughts did you had first? So guys, आज का हमारा topic है what it takes to become a successful architect. गाइज, जब आपने पहली जॉब अपनी स्टार्ट की होगी, अपनी पहली इंटर्नशिप स्टार्ट की होगी, तो आपको उससे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रही होगी. पर क्या कभी आपने ऐसा फील किया कि जब आपने अपनी इंटर्नशिप या जॉब स्टार्ट की तो पहले दिन आपको कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो एक्सपेक्टेशन आपके प्रोफाइल से खड़ी नहीं उतर पा रही थी, या आपको ऐसा लगा कि आप उस फर्म या उस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट इन नहीं हो. सो गाइस, AEC इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो डिमांड करती है टेक्नोलॉजी फॉर स्किल्स. और जो स्किल्स आपको स्कूल या कॉलेजेस में दी जाती हैं उस स्किल्स में, और जो AEC इंडस्ट्री डिमांड करती है उस स्किल्स में, बहुत ही ज़्यादा गैप है. तो गाइस, उस गैप को कैसे फिल इन किया जाए? क्या हम एक आर्किटेक्ट ये मान ले कि के लिए अब लिमिटेड जॉब ग्रोथ है, या फिर वो उसके लिए कोई भी अब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है? जी नहीं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपस्किलिंग. यस, विद द हेल्प ऑफ अपस्किलिंग यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ गाइस. यू कैन नो, यू कैन लर्न व्हाट आर द यू नो करंट ट्रेंड्स in the industry that are running now, and you can upgrade yourself. तो guys, ये जो हमारा term है upskilling, इससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे हम limited career growth या career stagnation से निकल कर आगे का रास्ता अपना तय कर पाएँ. तो चलिए इस टॉपिक को ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं. आर्किटेक्चर एक टेक्निकल फील्ड है, और जैसे हर टेक्निकल फील्ड के लिए आपको कुछ टेक स्किल्स चाहिए होती हैं, उसी तरीके से आर्किटेक्ट बनने के लिए भी कुछ टेक स्किल्स चाहिए होती हैं. जैसे कि बड़े फर्म्स यानी कि ज़ाहा हदीद या स्टर्लिंग आर्किटेक्ट्स में काम करने के लिए आपको टेक नॉलेज जैसे कि BIM या कंप्यूटेशनल डिज़ाइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. तो गाइस, क्या अभी प्रेजेंट में जिस तरीके से सिलेबस या जिस तरीके से कोर्सेज बिल्डअप हो रहे हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में, क्या वो रेलेवेंट हैं? क्या वो इतने इनफ हैं कि किसी भी आर्किटेक्ट को टॉप टीयर सिटीज़ में या इन फर्म्स में, इन टॉप फर्म्स में काम मिल सके? यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आजकल जो अपकमिंग ट्रेंड आ रहा है सस्टेनेबिलिटी. गाइस, इंडिया की पॉपुलेशन अभी करंट में है 1.4 बिलियन, और इस टाइम सबसे बड़ी डिमांड और सबसे बड़ा चैलेंज है अर्बनाइजेशन. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हाउसिंग, एनिमल लाइफ, ऑल दीज आर द मेजर चैलेंजेस डेट वी आर यू नो फेसिंग राइट नाउ. इस टाइम आर्किटेक्ट एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है, और वो एक मेजर सॉल्यूशन, इन डेप्थ कोर सॉल्यूशन के साथ आ सकता है, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है सस्टेनेबल डिज़ाइन. सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करके, सस्टेनेबल डिज़ाइन से, सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट को समझ के हम ग्लोबल वार्मिंग, हाउसिंग और क्लाइमेट चेंज को सॉल्व कर सकते हैं. सो गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है आर्किटेक्ट्स को. कैसे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी ट्रेंड में है, राइट? तो क्यों ना हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, क्यों ना हम अपने आप को अपस्किल करें. तो गाइस, अपस्किलिंग क्या होती है? अपस्किलिंग का मतलब होता है स्किल की प्रैक्टिस करना, राइट? जो करेंट ट्रेंड में जो स्किल रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, उस स्किल को कंटिन्यूस लर्न करना और अपने अंदर डेवलप करना. तो गाइस, इसका पहला स्टेप है कि आप देखो कि आपको कौन सी स्किल पहले से आती है और कौन सी स्किल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कौन सी स्किल अभी ट्रेंड में चल रही है इंडस्ट्री में. दूसरा तरीका है, अपनी स्किल को प्रायोरिटाइज़ करो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऑटोकैड पहले से आता है तो क्यों ना इंटर ऑपरेबल सॉफ्टवेयर जैसे कि राइनो और रेविट, इन दोनों को ग्रुप करो और एक नई टेक्निक और एक नई स्किल सीखने की कोशिश करो. अपस्किलिंग शुरू करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन. जी हाँ, आपको बहुत सारी बुक्स और वीडियोस भी मिल जाएंगे, पर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है. इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप
तीन कॉलम बना लें, पहला जो स्किल्स आपको पहले से आती हैं, दूसरा जो स्किल इंडस्ट्री में ट्रेंड कर रही हैं और आपको सीखना है, और तीसरा किस कोर्स में आपको एनरोल करना है या किस कोर्स के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, और वो कोर्स वही होने चाहिए जो आजकल इंडस्ट्री में ट्रेंड कर रहे हों। इससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप एक पाथ मैप बना लोगे। जब आपका पाथ मैप रेडी हो जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्लाई कर पाओ और एक ग्रेट चेंज ला पाओ। सिमिलरली वर्ल्ड फोरम ने अभी एक रिसर्च किया है जिसके दौरान ये पता चला है कि किसी भी स्किल की हाफ लाइफ 5 ईयर्स हो चुकी है। मतलब कि अगर आपने कोई भी नई स्किल सीखी तो उसकी हाफ लाइफ जो होगी वो 5 ईयर्स हो जाएगी, राइट? मतलब वो हाफ वैल्यूएबल होगी। तो गाइस, अगर एक आर्किटेक्ट नई स्किल नहीं सीखता तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा है अपने करियर के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप नई स्किल्स अपनाओगे, जो इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहे हैं उनको जानने की कोशिश करोगे और उन स्किल्स को ट्रेंड से मैच करोगे, तो ही आप एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन पाओगे। आर्किटेक्चर में कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं जिसमें बहुत सारी टॉप टीयर इंडस्ट्री डिमांड करती हैं एक परफेक्ट सोल्यूशन जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपस्किलिंग से ही मिल सकता है। मतलब कि अपस्किलिंग एक डायरेक्ट पाथवे है एक सक्सेसफुल करियर की तरफ। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इससे आपको ये समझ में आया हो कि अपस्किलिंग से आप कैसे अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं और अपने लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।